दोस्त अगर वीडियो को ओपन कर ही लिया है तो वीडियो को पूरा एंड तक वॉच करना, क्योंकि दोस्त इस वीडियो में मैं आप सभी को क्लियर करने वाला हूं आपकी बैक को लेकर। क्योंकि काफी स्टूडेंट रहते हैं जिनके मन में कंफ्यूजन रहता है कि अगर मेरे फर्स्ट ईयर में बैक लग जाती है क्या मैं वहां पर फेल हो जाता हूं, जैसे कि जो एक तो एनुअल वाले स्टूडेंट है और दूसरा सेमेस्टर वाले हैं, क्या सेमेस्टर में बैक लगती है तो वहां पर फेल होंगे या नहीं होंगे। दूसरा, अगर आपके एनुअल में एक से लेकर दो बैक लग जाती है क्या उसमें आप फेल होते हैं, या दो के बाद आपकी तीन बैक लग जाती है क्या उसमें आप फेल होते हैं। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पर फर्स्ट बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बाकी देखो मैं आपको पहले बोल देता हूँ वीडियो को पूरा एंड तक वॉच करना। अगर कोई न्यू यूजर भी इस वीडियो को ओपन किया है तो आपको मैं पहले बोल देता हूँ मेरे दोस्त वीडियो पूरा एंड तक वॉच करना, तभी आपको समझ में आएगा कि मैं आज की इस वीडियो में आपको बोलने क्या जा रहा हूं। देखिए दोस्तों, जैसे बात करें फर्स्ट में सेमेस्टर की, तो जैसे कि सेमेस्टर में आप सभी को मालूम है कि वन ईयर में टू सेमेस्टर कंप्लीट होते हैं, यानी कि तीन साल के आपके ग्रेजुएशन के तीन साल के आपके छह सेमेस्टर कंप्लीट होते हैं। अगर बात करें कंपेयर में एनुअल की, तो एनुअल में आपके तीन मतलब कि तीन साल में आपके तीन पेपर होते हैं जो कि मेन पेपर होते हैं। लेकिन आप बात करें यहाँ पर सेमेस्टर की, तो सेमेस्टर में आप मान लीजिए कि डेढ़ या दो महीने में पेपर होते रहते हैं। और इसके बाद दोस्तों आप सभी का सबसे ज्यादा जो कंफ्यूजन रहता है वो आपकी बैक को लेकर रहता है कि मेरा जैसे कि फर्स्ट ईयर में बैक लग जाती है क्या मैं उसके बाद दोबारा से फर्स्ट ईयर मतलब कि सेकंड ईयर का पेपर दे सकता हूं, या मतलब कि मैं सेमेस्टर में हूं मेरे एक से लेकर दो बैक लग गई क्या मैं फिर भी पेपर दे सकता हूं, यानी कि तीसरा भी बैक का पेपर दे सकता हूं। ये काफी जो स्टूडेंट है उनके मन में संकोच कंफ्यूजन बना हुआ है, जो कि आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को क्लियर कर दूंगा। तो वीडियो को पूरा एंड तक वॉच करना, जो कि मैंने पहले ऑलरेडी आप सभी को बोल दिया है। तो दोस्तों बात करें फर्स्ट में सेमेस्टर की, तो आप सभी को बली बात इसे पता है कि सेमेस्टर में कोई भी स्टूडेंट फेल नहीं होता है, बिल्कुल भी फेल नहीं होता है सेमेस्टर में स्टूडेंट। अगर बाय चांस जैसे उसकी फर्स्ट बार बैक लग जाती है, जैसे बाय चांस आप मान लीजिए अगर आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है आपको नहीं मालूम है कि बैक का सिस्टम क्या रहता है सेमेस्टर में, और जैसे आप एनुअल के स्टूडेंट है फर्स्ट ईयर में तो आपको नहीं मालूम है कि इस प्रकार से जो बैक का सिस्टम रहता है कि कितने बैक लगने के बाद डायरेक्ट फेल ही कर दिया जाता है। तो दोस्तों बात करूं जैसे सेमेस्टर की, तो सेमेस्टर में क्या होता है, सेमेस्टर में अगर आपके बाय चांस फर्स्ट ईयर में सेकंड ईयर में या फाइनल में जैसे एक बैक लग जाती है तो उसके बाद आपको मौका दिया जाता है, जैसे कि आपको फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट हो गया उसके रिजल्ट में या आपके बैक लग गई, रिजल्ट में या आपको पता लगा कि आपके एक सब्जेक्ट में बैक लग गई। बैक लगने के बाद क्या होगा दोस्तों, जैसे आपका सेकंड सेमेस्टर स्टार्ट होगा सेकंड सेमेस्टर के पेपर या उससे पहले आपका जो बैक का पेपर है वो ले लिया जाएगा, और उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको पहले अपना जो बैक का फॉर्म है वो आपको भरना पड़ेगा। जैसे कुछ कॉलेज है जहां पर आपको सेमेस्टर में तो कम ही पैसे लगते हैं, यहां पर आपको जैसे कि 500 रुपए में आपका जो बैक का फॉर्म है वो भर जाता है, लेकिन बात करें एनुअल की तो वहां पर आपके 2 से 2500 या 3000 रुपए भी ले लेते हैं। इसके बाद दोस्तों जैसे आपके एक बैक लग गई, उसके बाद वो जैसे आपने बैक का पेपर दिया उसके बाद फिर से आपके दोबारा बैक लग गई, और फिर जैसे आपने दोबारा भी आपसे पास नहीं फिर आपके तीसरी बार भी बैक लग गई, तो दोस्तों आप सभी को मैं बताना चाहूंगा जैसे सेमेस्टर में क्या होता है, लास्ट में अगर आपके 2-3 या लास्ट 4 बार भी बैक लग जाती है तो आपको यहां पर फेल नहीं किया जाता है। यहां पर आपके जो प्रिंसिपल है उनकी मर्जी से या अपने जो टीचर है उनको थोड़ी बहुत राशि देकर आप पास हो सकते हैं। लेकिन बात करें दोस्तों एनुअल की, एनुअल में क्या होता है, एनुअल में जैसे आपके फर्स्ट ईयर में या सेकेंड ईयर में फाइनल में यहां पर मैं अपन मान ही रहे हैं, जैसे मान लेते हैं फर्स्ट ईयर में आपके बैक लग जाती है। और दोस्तों ये भी मैं क्लियर कर देता हूं एनुअल के स्टूडेंट्स के लिए कि आपके कितने बैक लगने के बाद में आपको डायरेक्ट फेल कर दिया जाता है। जैसे कि फर्स्ट ईयर में आपके जो मेन एग्जाम देने के बाद में आपके रिजल्ट आता है और रिजल्ट में आपको पता लग जाता है कि मेरे बैक लग चुकी है, वहीं पर आप निराश हो जाते हो कि मेरे बैक लग चुकी है मैं पता नहीं दोबारा भी पास हो पाऊंगा या नहीं हो पाऊंगा। तो इसके बाद जैसे ही आप अपना बैक का फॉर्म भरते हो और वहां पर आपको प्रिपरेशन करनी पड़ती है अच्छी तरह से, अगर आप पढ़ाई करते हो थोड़ा मतलब जो मेन पेपर आता है उससे थोड़ा आप कम हल्का ही मान लीजिए, जो क्वेश्चन पेपर आता है वो थोड़ा हल्का ही आता है, उसमें आप आराम से पास हो सकते हो। अगर बाय चांस वहां पर भी आप पढ़ाई नहीं करते हो तो आपको एक और मौका दिया जा सकता है, जैसे कि फर्स्ट बार आपके बैक लगी उसमें आप फिर से फेल हो गए, और फिर आपको एक बार जैसे कि सेकंड बार ऑप्शन दिया गया उसमें भी आप फेल हो गए। और दोस्तों जैसे कि आपके मन में काफी कंफ्यूजन ये भी रहता है, जैसे मेरे एक सब्जेक्ट में तो बैक लग रही है, बाय चांस मेरे जैसे 4 सब्जेक्ट है, मेरे टोटल 4 सब्जेक्ट है और मेरे चारों में एक साथ बैक लग गई, तो आपको मैं बता देता हूं आपको डायरेक्ट फेल कर दिया जाएगा।
अगर 4 में 1 7 आपके बैक लग गई, लेकिन कंपेयर करें सेमेस्टर में अगर आपकी 4 में भी बैक लग जाती है तो वहां पर आपको, जैसे कि मैं तकरीबन मान रहा था वहां पर 500 रुपए, लेकिन वहां पर आपको 3000 रुपए देकर दोबारा से आप सभी सब्जेक्ट के जो बैक फॉरम है वो आप वहां पर भर सकते हो। वहां पर ऑप्शन दिया जाता है, लेकिन एनुअल में नहीं दिया जाता, बिल्कुल भी नहीं दिया जाता एनुअल में। वहां पर डायरेक्ट फेल ही कर दिया जाएगा, आपको दोबारा से फर्स्ट ईयर पढ़नी पड़ेगी अपने रिजल्ट के बाद में। दोस्तों इसके बाद जैसे आपके ये भी कंफ्यूजन रहता है, जैसे कि कितने बैक लगने के बाद हमें डायरेक्ट फेल कर दिया जाता है, कि जैसे कि मेरे एक सब्जेक्ट में बैक लग गई, जैसे मेरे फर्स्ट बार भी क्लियर नहीं हुई, सेकंड बार भी क्लियर नहीं हुई, थर्ड बार भी क्लियर नहीं हुई, जैसे थर्ड ईयर का मतलब कि थर्ड बार का रिजल्ट आएगा और उसमें मेरे रिजल्ट में आया कि मेरे जो मैं पास नहीं हो पाया, तो वहां से आपको डायरेक्ट फेल कर दिया जाएगा एनुअल में, अगर आपके एक सब्जेक्ट में लगती है बैक। और बाय चांस मैंने आपको बता दिया, अगर आपके जैसे टोटल सब्जेक्ट में आपके एक साथ बैक लग जाती है, या उससे मतलब कि 4 सब्जेक्ट है 3 में भी एक साथ लग जाती है, तो आपको फेल कर दिया जाता है। तो दोस्तों जो एनुअल का सिस्टम रहता है वो सेमेस्टर के सिस्टम से बिल्कुल अलग होता है, लेकिन फायदा देखो सेमेस्टर में बिल्कुल मिल जाता है आपका फायदा, क्योंकि यहां पर जो एग्जाम है वो लगातार होते हैं, हर 1.5 महीने में आपका एग्जाम आ जाएगा, 1.5-2 महीने में आपका एग्जाम आ जाएगा। लेकिन बात करें आपके एनुअल की, तो एनुअल में 1 साल में 1 बार ही एग्जाम आता है, तो वहां पर आपको फायदा मिलता है, लेकिन उसका भारी नुकसान आपको बैक से चुकाना पड़ सकता है। वो इसलिए क्योंकि वहां पर अगर आपके बाय चांस 3 से 4 सब्जेक्ट में अगर बैक लग गई, जैसे टोटली आपके 4 सब्जेक्ट है, 4 सब्जेक्ट में ही आपके बैक लग गई, तो वहां पर डायरेक्ट ही आपको फेल कर दिया जाएगा। लेकिन सेमेस्टर में अगर ऐसा होता है तो सेमेस्टर में आपको मतलब कि बैक का दोबारा से ऑप्शन दिया जाएगा, वहां पर अपना बैक फॉर्म भर के आप दोबारा से पेपर दे सकते हो। तो ये शेड्यूल रहता है दोस्तों बैक का। और बाय चांस देखिए कई बार आपके ये भी क्वेश्चन रहते हैं, अगर मैं एक कॉलेज से दूसरी कॉलेज में जाता हूं, जैसे आप फर्स्ट ईयर के बाद में ही अपनी कॉलेज चेंज कर सकते हो, सेकंड ईयर के बाद में आप जैसे फाइनल में दूसरी कॉलेज में जाना चाहोगे, तो वहां पर कोई भी ऑप्शन नहीं होता, कोई भी सरकार परमिशन नहीं देती उस चीज की। हां आप फर्स्ट ईयर के बाद में चेंज कर सकते हो, जैसे आप फर्स्ट ईयर में आपके किसी एक सब्जेक्ट में बैक लग गई और आप चेंज करना चाहते हो उस मतलब कि सेकंड ईयर में दूसरी कॉलेज में जाना चाहते हो, तो आप नहीं जा सकते, पहले आपको अपनी बैक का पेपर है वो क्लियर करना पड़ेगा। अगर बाय चांस आपका कोई भी पेपर है, कोई भी एक पेपर दो पेपर आपका पेंडिंग है, तो आप अपनी कॉलेज चेंज नहीं कर सकते। ये मैंने आप सभी को बिल्कुल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दे दी है। और बाकी देखिए आपको किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, आप सभी के काफी कमेंट आते हैं, जैसे बायचांस आपके कमेंट आ ही जाते हैं कि सर मेरे जैसे किस प्रकार से मुझे बैक फॉर्म भरना है, और बाकी जो भी रहता है मैंने आप सभी को यहाँ पर बता दिया। तो बस आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपका भाई ऐसी बड़ी खबर आप सभी के लिए लेकर आता रहता है। तो बस आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय।